सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में जीसीसी कलर के लिए समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखने वाले, जिसकी यह पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें कि हम लोग 35+ एमसीक्यू समान ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसे आप लोग हेडफोन के थ्रू से भी, ऑडियो क्लिप को भी सुन सकते हैं। बात करें जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को किस संघ के रूप में वर्णित करता है, राज्य संघ के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें मछलियों के यकृत जो तेल होता है उस तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है, झेलम नदी पर। बाबर नामक के लेखक कौन है, बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। मानव शरीर का समान तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें 310 केल्विन। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12। एंजाइम मूल रूप से होते हैं क्या, प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। बिंदुसार किस वंश के शासक थे, मौर्य वंश के। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, पटाखा। सिनेमा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, निकोलस और जिन लुथिये के द्वारा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, वानभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, एडवर्ड टेलर के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा चलाई गई, उनानियों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य अपहरण नीति को किनके द्वारा क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आर्थिक अपेक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 12। सुंडा जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, जावा और सुमात्रा के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में है, वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ को।